रामगढ़ताल पुलिस ने विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसबी जवानों के साथ नौकेन क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि जनपद में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेगा और 10 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, जिसको देखते हुए रामगढ़ताल पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया तथा नागरिकों को एहसास दिलाया कि बिना किसी डर या बिना किसी दबाव के मतदान करें और अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए किसी तरह का दबाव बनाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिससे ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। इस अवसर पर चिड़ियाघर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र जैन, कांस्टेबल नीरज यादव व एसएसबी के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैन श्याम देवबिंद ने कहा, क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पैरामिलिट्री और सिविल फोर्स के साथ लगातार एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, रूट मार्च किया जा रहा है। ये पिछले लगभग 20-22 दिनों से किया जा रहा है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। तो उसी क्रम में आज रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया है, जिसमें खासकर संवेदनशील गाँव रामपुर, रामगढ़, बाकी नौकायन का क्षेत्र, गाय घाट, बुजुर्ग इत्यादि क्षेत्रों में किया गया है। सर, शहर में और अन्य जगहों में किया जा रहा है? जी, ये बताया, जैसा कि मैंने बताया कि ये अलग अलग थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन किया जा रहा है। तो जिस क्रम में शहर में कई बार हो चुका है, कैंट थाना क्षेत्र में हुआ है, खोराबार थाना क्षेत्र में हुआ है, और उसी क्रम में रामगढ़ थाना क्षेत्र में भी आज तीसरी या चौथी पाँचवीं बार किया जा रहा है, और इसी क्रम में अब कल कैंट थाना क्षेत्र में किया जाएगा।